नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नामांकन के लिए मुखिया और सरपंच को जमा करना होगा 1,000 रुपया। अब बिहार में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज। बिहार के 5 जिलों में नहीं हुआ कोरोना का टीकाकरण। पटना को मिले महज 80,000 डोज। इंजन ही खराब, डब्बा बदलने से कोई फायदा नहीं। मोदी कैबिनेट विस्तार पर माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य का तंज। लोगों बनाए 50,000 रुपये इनाम पाए। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने शुरू किया प्रतियोगिता। पटना की दवा मंडी में 12 करोड़ के उपकरण हो रहे हैं बेकार। 3 करोड़ के रेमडेसिविर इंजेक्शन भी डंप। बिहार में कोरोना की रफ्तार धीमी होते ही पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि राज्य में मुखिया और सरपंच के उम्मीदवार को नामांकन के लिए 1,000 रुपया शुल्क देना होगा। वहीं पंच के कैंडिडेट को 250 रुपये जमा करना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य चुनाव आयोग ने बिहार में मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति सदस्य के कैंडिडेट्स के लिए 1,000 रुपये नामांकन शुल्क निर्धारित किया है। साथ ही पंच और वार्ड सदस्य के लिए 250 रुपये शुल्क लगेगा। वहीं आरक्षित सीटों पर कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट जमा करना होगा। वहीं निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना में कहा है कि कोई भी कैंडिडेट राजनीतिक दल का नाम और झंडा लेकर प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है। इसके अलावा कैंडिडेट्स की ओर से किसी भी सरकारी कार्यालय में पोस्टर चिपकाया नहीं जा सकता है। इतना ही नहीं, कैंडिडेट को अपना दफ्तर खोलने के लिए निर्वाची पदाधिकारी को भी सूचित करना होगा। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत गुरुवार को राज्य के 5 जिलों में कोरोना का टीकाकरण नहीं हुआ। इसमें पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, मधेपुरा, किशनगंज और खगड़िया जिला शामिल है। साथ ही राज्य के 4 जिलों में 25 से कम लोगों को टीका दिया गया। इसमें सहरसा जिला में 2 लोगों को, नवादा जिला में 9 लोगों को, रोहतास जिला में 10 लोगों को, जबकि दरभंगा जिलों में 20 लोगों को ही टीका दिया गया। कोविन पोर्टल पर रात 9 बजे तक अपलोड आंकड़ों के अनुसार राज्य में अभी तक कुल 1,76,01,997 डोज दिया गया है। पटना को वैक्सीन की 80,000 डोज की नई खेप बुधवार को मिली है। इससे जिले में सुस्त पड़ चुके वैक्सीनेशन अभियान को एक बार फिर से तेज करने में मदद मिलेगी। डोज के आने के बाद जिले में वैक्सीन की कमी फिर से दूर हो जाएगी। ज्यादातर सेंटरों पर वैक्सीन लगाई जाएगी। प्राप्त सूचना के मुताबिक बुधवार को आई वैक्सीन की खेप में लगभग सभी कोविशील्ड है। वैक्सीन नहीं रहने के कारण बुधवार को वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी रही। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन पूरी तरह से बंद रहा। सभी 40 टीका एक्सप्रेस भी बंद रहे। भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि महामारी के दौर में हर मोर्चे पर अपनी सरकार की विफलता को छुपाने के लिए बड़े पैमाने पर केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव, केंद्र सरकार द्वारा बलि का बकरा ढूंढने की हताश कोशिश की जा रही है। माले ने मोदी कैबिनेट विस्तार पर हमला किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही इस सरकार में डबल इंजन है, और जब इंजन ही फेल है तब डिब्बे बदलने का कोई फायदा नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, श्रम, कानून व न्याय, सूचना और प्रशासन आदि सभी विभागों के मंत्री महामारी के दौर में नकारा साबित हुए हैं, तो इसका एकमात्र मतलब है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह भाग खड़ी हुई है। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि समस्या इंजन में है और आप डिब्बे बदल रहे हैं। पेट्रोल 100 रुपये, डीजल 90 रुपये और रसोई गैस 850 रुपये पार हो गया। महंगाई सर चढ़कर बोल रही है। GST से MSME व्यापार की चौपट कर दिया है। मंत्रिमंडल को बदलने से इनमें क्या किसी समस्या का हल हो पाएगा? मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने पटना मेट्रो का आकर्षक लोगो बनाने के लिए डिजाइन प्रतियोगिता शुरू किया है। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन आकर्षक लोगो बनाने वालों को 50,000 रुपये का इनाम देगा। इसको लेकर पटना मेट्रो ने राजवासियों से बेहतरीन लोगो बनाकर आकर्षक पुरस्कार जीतने के लिए अपनी रचनात्मक में रंग भरने की अपील किया है। मेट्रो ने प्रतियोगिताओं से अपील किया है कि वे एक ऐसा लोगो बनाएं जो न केवल पटना का प्रतिनिधित्व करे बल्कि राजधानी की यातायात के निकट भविष्य में आने वाले बड़े बदलाव को भी प्रदर्शित करे। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम विजेता को पुरस्कार स्वरूप 50,000 रुपये, द्वितीय विजेता को 25,000 रुपये और तृतीय विजेता को 11,000 रुपये नगद दिए जाएंगे। 27 जुलाई तक कोई भी व्यक्ति इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। कोरोना की दूसरी लहर में कई ऐसी दवाएं थी जिन्हें खरीदने के लिए बाजार में मारामारी मची हुई थी। वहीं अब संक्रमण के कमजोर पड़ने पर कोई इन्हें पूछ नहीं रहा है। जिस रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोगों को कई कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा था, वह अब दुकानों में पड़े पड़े खराब हो रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ शहर के कुछ दुकानदारों को ही मिली थी।
एक दुकानदार ने बताया कि करीब 3 लाख रुपए के केवल रेमडेसिविर इंजेक्शन डंप है। उन्होंने बताया कि कंपनी भी ऑर्डर लेते समय ही मुहर लगवा लेती है कि माल वापस नहीं होगा, जबकि दूसरे कई इंजेक्शन कंपनी वापस लेती है। शहर के दुकानों में करीब 40 लाख रुपए के रेमडेसिविर इंजेक्शन डंप हो गए हैं। इसके अलावा कोरोना में चलाई जा रही फेविपिराविर, आइवर मैक्टिन, एजिथ्रोमाइसिन, विटामिन सी, मल्टीविटामिन, जिंक, ऑक्सीसाइक्लिन जैसे अन्य दवाएं भी डंप होने लगी है। राजेश आर्या ने बताया है कि केवल जीएम रोड स्थित दवा मंडी में दवाओं का करीब 10 करोड़ रुपए का स्टॉक डंप हो रहा है। बिहार में कोरोना का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ब्लैक फंगस के एक मरीज को कोरोना जांच में पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया है। मामला पटना के पीएमसीएच का है, जहां वैशाली के एक मरीज 2 महीने के अंदर 2 बार कोरोना संक्रमित पाया गया है। चिकित्सकों की टीम भी इस जांच रिपोर्ट आने से हैरान है। मरीज को आनंद फानन में कोरोना वार्ड में शिफ्ट किया गया, वहीं उनके संपर्क में आए सभी कर्मियों व लोगों की जाँच की जा रही है। कोविड-19 महामारी के कारण चल रहे संकट के दौरान भारत सरकार के द्वारा की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के 5वें चरण को लागू कर दिया गया है। जुलाई से नवंबर तक लाभुकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मिलने वाले खाद्यान्न के अतिरिक्त 5 किलो खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा। इसके लिए 21.77 लाख MT अतिरिक्त खाद्यान्न का वितरण किया गया है। इस तरह भारत सरकार द्वारा 5 महीनों में वितरित किए जाने वाले कुल खाद्यान्न की मात्रा 44.89 लाख मीट्रिक टन के करीब होगी। FCI के बिहार क्षेत्र के महाप्रबंधक संजीव कुमार भदानी ने सोमवार को अपने कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी आधिकारिक घोषणा की। भदानी ने कहा कि कोविड-19 महामारी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, इससे बिहार की जनता को खाद्यान्न संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए भारत सरकार ने बिहार में 5 महीने के लिए योजना को बढ़ा दिया है। इससे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 4 का नाम दिया गया है। सोमवार यानी 5 जुलाई को राजद ने पार्टी के 25 साल पूरे हो जाने पर रजत जयंती समारोह पटना में मनाया। इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। लंबे अरसे के बाद बिहार की जनता व खासकर उनके समर्थकों ने लालू यादव की आवाज़ को उसकी पुरानी अंदाज में सुना। रिहा होने के बाद लालू यादव पहली बार जनता व कार्यकर्ताओं को इतने देर तक संबोधित किए। बिहार में अब सियासी गर्मी भी बढ़ गई है। लालू यादव की एंट्री ने राजद कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया है। बिहार में लालू की वापसी को लेकर अब कयास तेज हो रहे हैं। वहीं NDA लालू की वापसी को देखकर उन पर लगातार हमलावर है। राजद के 25वें स्थापना दिवस समारोह पर मौजूद लालू यादव ने अपने सेहत के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने समर्थकों को बताया कि उनकी सेहत पहले से बेहतर है। रांची में उनकी तबीयत काफी अधिक खराब हो चुकी थी। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि अगर तेजस्वी और राबड़ी देवी न होती तो उनकी मौत रांची में ही हो जाती। एम्स के डॉक्टरों को उन्होंने धन्यवाद दिया और कहा है कि मेरी जान उन्होंने बचा ली। चिराग पासवान ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अपने चाचा पशुपति पारस पर हमला बोला है। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब मेरे पिता बीमार थे तो नीतीश कुमार ने उनका हालचाल तक नहीं पूछा था, उनको अपमानित किया, लेकिन आज मेरे चाचा उन्हीं की गोद में जाकर बैठे हैं। चिराग ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने सोमवार को पिताजी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। विपक्ष ने भी उन्हें याद किया, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं दी और हमारे चाचा उनके साथ दोस्ती निभा रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। तेज प्रताप को काफी बुखार है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बड़े भाई की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलते ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने भाई का हालचाल लेने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं। मंगलवार की शाम बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और समस्तीपुर जिले के हसनपुर सीट से राजद विधायक तेज प्रताप यादव की तबीयत बिगड़ गई है। करीब सूत्रों की माने तो तेज प्रताप को काफी तेज बुखार है, उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। फिलहाल उनके आवास पर ही डॉक्टर तेज प्रताप का इलाज कर रहे हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर उनके आवास के बाहर एक एम्बुलेंस तैनात है, ताकि स्थिति बिगड़ने पर उन्हें जल्द से जल्द किसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा सके। बड़े भाई की तबीयत अचानक से खराब होने की सूचना मिलते ही छोटे भाई तेजस्वी आनंद फानन में उनसे मिलने पहुंचे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तेजस्वी अपने बड़े भाई के साथ मौजूद हैं। डॉक्टर तेज प्रताप का इलाज कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि तेजस्वी ने डॉक्टर से बातचीत की, उनसे सलाह लिया है। फिलहाल डॉक्टरों ने कहा कि स्थिति सामान्य है।
तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।